गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। प्रजातियों के संदर्भ में ग्रिफिथ टेलर का इससे पहले हमने प्रवास कटिबंध सिद्धांत या जॉन एंड स्ट्राटा थ्योरी को पढ़ा है। उसी के बिहाव पे उन्होंने अलग अलग डायमेंशंस लिए हैं और उन अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर अपना एक प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रजातियों के वर्गीकरण में उन्होंने विश्व में कितनी प्रजातियों की खोज की है तथा वे सभी प्रजातियां वर्तमान समय में किस स्थान पर रहती है तथा उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण, रेस क्लासिफिकेशन बाय ग्रिफिथ टेलर। सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों के वर्गीकरण में जलवायु चक्र, प्रजातियों का विकास तथा प्रवास सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस एवोल्यूशन के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं उन पर या उनके में जो फर्क पाया जाता है उसके पीछे जो कारण है वो है जलवायु का बार बार बदलना, प्रजातियों का विभिन्न प्रजातियों के साथ मिश्रण होना तथा प्रवास कटिबंध जिसमें हर एक नवीन प्रजाति पुरानी प्रजाति को अपने मूल स्थान से हटाती गई के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण में ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि प्रारंभ में केवल 5 प्रजातियां थी जिसमें एक थी निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन, अल्पाइन, मंगोलियन। 5 से 6 प्रकार की ये प्रजातियां पहले उत्पन्न हुई और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह मध्य एशिया में जब हिम युग आए एक के बाद एक लगभग 5 हिम युग आए, आइस एज आई, उससे पहले इन प्रजातियों का विकास हो चुका था और ये वहीं से दूसरे महाद्वीपों की ओर फैली है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता उत्पन्न रही। जैसे जैसे जलवायु बदलती रही मानव प्रजातियों के शारीरिक संरचना में अंतर देखने को मिलता है और इसी अंतर में कुछ आधार लिए हैं जैसे कि बालों की बनावट, कापालिक सूचकांक जिसे सेफालिक इंडेक्स कहा जाता है, नासिका सूचकांक नोजल इंडेक्स, उनकी हाइट, त्वचा का रंग और पारिस्थितिक प्रभाव यानी इकोलॉजिकल जो प्रभाव रहे उसके शरीर पर के आधार पर उन्होंने 7 प्रजातियों के बारे में बताया। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप अलग अलग प्रजातियों की महिलाओं के बारे में देख सकते हैं। यहाँ किसी के बाल आपको घुंघराले नजर आएंगे, किसी के सफेद और किसी के काले, किसी की आंखें बड़ी, किसी के एकदम छोटी सी और एक किसी की चौड़ी सी, किसी के होठ एकदम पतले से और किसी के आपको काफी चौड़े होठ नजर आएंगे। इसी प्रकार से नाक भी आपको किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, इस प्रकार से शारीरिक भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर इन्होंने 5-7 प्रकार की मानव प्रजातियों को बताया है। आइए जानते हैं एक एक प्रजाति के बारे में कि इन प्रजातियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से ये इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ग्रिफिथ टेलर ने सिर घातांक यानी हेड इंडेक्स या इसे सेफालिक इंडेक्स भी कहते हैं तथा बालों की बनावट हेयर टेक्सचर के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 7 मानव प्रजातियां हैं
कपालघातांक या सेफालिक इंडेक्स के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार से: नेग्रिटो, जिनका बहुत पतला सा सिर होता है उन्हें हम नेग्रिटो, जिनका बहुत लंबा सिर निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड का लंबा सिर मेडिटेरियन, मझला सर मिडिल, नॉर्डिक का भी मझला सर और अल्पाइन जिसका चौड़ा सर, और अंतिम जो सातवां प्रकार है वो है मंगोलियन, बहुत चौड़ा सर। तो यहाँ पर एक इंडेक्स आप देख सकते हैं कि डॉलिचोसेफालिक जो है उनका जो सिर है काफी लंबा और पतला है, मीजोसेफालिक यानी मध्य कपालिक सूचकांक जो रहता है उनका यहाँ पर मार्क भी दे रखा है कि 75 से 80 के बीच इनका रहता है सेफालिक इंडेक्स, यहाँ पर लोअर रहता है 75 से भी नीचे का सेफालिक इंडेक्स रहता है, और यहाँ पर आप चौड़े सिर वाले जिसे ब्राचिसेफालिक कहते हैं उनका सिर आपको काफी चौड़ा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सिर की लंबाई के आधार पर भी इसको इस प्रकार से लेप्टोफ्रोस्फिक, मेजोफ्रोस्फिक और यूरीफ्रोस्फिक के नाम से यहाँ पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं एक एक प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं कि एक प्रजाति नेग्रिटो सबसे पहले ले लेते हैं कि नेग्रिटो दिखने में किस प्रकार के होते हैं। तो चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उन्हें हम नेग्रिटो या नेग्रिटो के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, सबसे पुरानी है, इसका मतलब ये सबसे पहले मध्य एशिया में उत्पन्न हुई और आज ये जो प्रजातियां हैं महाद्वीपों के सबसे बाहरी किनारों पर परिधि वाले क्षेत्रों में मिलती है, सेंट्रल पॉइंट में नहीं मिलती है, क्योंकि विभिन्न दूसरी जो प्रजातियां उत्पन्न हुई उन सभी प्रजातियों ने इन्हें धकेल कर परिधि की ओर खिसका दिए। इस समय कुछ हजार नेग्रिटो जीवित, आज वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम है। उद्गम स्थल यानी मध्य एशिया से इस प्रजाति के लोग सबसे पहले स्थानांतरित हुए और बढ़ते बढ़ते महाद्वीपों के अंतिम छोर तक पहुंच गए। इनका कालिक, कालिक यानी उसका जो टाइमली और स्थानिक यानी स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या उसका स्थान परिवर्तन विस्तार सर्वाधिक लंबा होने के कारण इनमें भारी रूप में परिवर्तन हुआ, समय भी ज्यादा हुआ है तथा सबसे ज्यादा जो स्थान बदले हैं वो इसी प्रजाति ने बदले हैं। इस कारण अलग अलग जलवायु में पहुंचने के कारण इनमें इनकी शारीरिक संरचना में काफी परिवर्तन आए हैं। इस प्रजाति का शुद्ध रूप ढूंढने पर ही मिलता है, बहुत कम मात्रा में ऐसे शुद्ध लोग मिलेंगे जिन प्रजाति मिश्रण हो चुका है। इस प्रजाति के लोग जिनका कद काफी छोटा, रंग काला या चॉकलेटी, नाक चौड़ी और चिपटी, बाल पतले और छल्लेदार और आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा, 70 से कम कपाल सूचकांक इनकी पहचान है। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया नेग्रिटो, उनकी ये विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। इस प्रजाति के लोग अभी वर्तमान में कांगो बेसिन जो अफ्रीका का है, जो पिग्मी वाला जो चित्र है, श्रीलंका में वैदा नाम की प्रजाति देखने को मिलेगी, मलाया के अंतर्गत हमने सेमांग को पढ़ा तो वो काफी कुछ इनसे मिलते, अंडमान द्वीप समूह इत्यादि में ये लोग मिलते हैं। आज भी ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं तथा शिकार, कंदमूल तथा फल फूल से अपना जीवन यापन करते हैं। इसी श्रेणी में हम दूसरी प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई, वो इस प्रकार से, इनके चेहरे की बनावट को देखें तो आप पाएंगे कि इनका नाक चौड़ा, होंठ बाहर की ओर उल्टे हुए, सिर पर घुंघराले बाल और इस प्रकार की जो विशेषताएं रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहलाते हैं
निग्रो। निग्रो प्रजाति का उद्गम निग्रिटो के बाद में हुआ, यानी दूसरी प्रजाति है, दूसरा प्रजाति है, यानी जो निग्रिटो थे उनको मूल स्थान से हटाने का काम किसने किया? निग्रो ने। सबसे पहले निग्रिटो थे मध्य एशिया में, जब निग्रो आए तो उन्होंने निग्रिटो को वहां से हटा दिया और वो दूर चले गए और वहां पर अब निग्रो रहने लगे। तो निग्रिटो के बाद कौन आए? निग्रो। सिर अत्यंत लंबा, 72 तक सूचकांक रहता है सिर का, सेफालिक इंडेक्स। बाल लंबे, घुंघराले, रंग काला, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नाक पतली और चौड़ी और कद नाटा। वैसे देखा जाए तो निग्रिटो और निग्रो में काफी कम अंतर आपको देखने को मिलता है। ये प्रजाति दुनिया के, पुरानी दुनिया के दोनों छोरों पर मिलती है। नई दुनिया, जिसे हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, उसको छोड़कर पुरानी दुनिया है, उन दोनों के छिरो जो छोर है वहां पर ये प्रजाति देखने को मिलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सुडान क्षेत्र है, पश्चिम अफ्रीका का गिनी तट जो है वहां पर ये प्रजाति निवास करती है। न्यू गिनी के पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर की तरफ आया हुआ एक द्वीपीय देश है, मैं यहाँ पर इस प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती। इसी प्रकार भारत में कोल प्रजाति तथा श्रीलंका में वेदा इसी प्रजाति की उदाहरण माना जा सकता है। क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताओं के आधार पर अगर आप देखना चाहें तो सीधा सा है, जिसके होंठ जो इस प्रकार से बाहर निकले रहते हैं। इससे पहले जो हमने निग्रिटो को पढ़ा, तो निग्रिटो के जो होंठ है वो आप देखेंगे पतले हैं, इतने बाहर की तरफ निकले हुए होंठ आपको देखने को नहीं मिलेंगे और नाक भी आपको कम चौड़ा देखने को मिलेगा और इनके बाल थोड़े से गहरे हैं। लेकिन निग्रो की अगर बात करेंगे तो इनके जो बाल है वो उनके सिर से चिपके हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जो विशेषताएं देखने को मिलती है वह इस प्रजाति की देखने को मिलती है। दोनों में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंतर भी बता सकते हैं कि दोनों प्रजातियों में, निग्रो और निग्रिटो में क्या अंतर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी वो है ऑस्ट्रेलाइट, ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति तीसरा स्थान। पहले निग्रिटो आए, निग्रिटो को हटाने का काम निग्रो ने किया और निग्रो को हटाने का काम मूल स्थान से यानी मध्य एशिया से हटाने का काम किसने किया? ऑस्ट्रेलाइट ने किया। पहचान, लंबा सिर, 72 से 74 सेफलिक इंडेक्स पाया जाता है इनका, बाल घुंघराले, काला और चमकदार रंग, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ और नाक इनकी सामान्य, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। जब ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्व ये लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया में छाए हुए थे, अब इनका विस्तार जो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय झाड़ी प्रदेश है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, वहां तक सीमित है। ब्राजील के डॉन्स और बूटो कोटो प्रजातियां इन्हीं का प्रतीक है। तो ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की या ऑस्ट्रेलियन प्रकार की प्रजातियां वहां पर देखने को मिलती है। वर्तमान की बात करें तो इस प्रजाति का विस्तार भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग, अफ्रीका के कुछ मध्यवर्ती भाग तथा एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में देखने को मिलता है। तो वहां पर ये प्रजातियां देखने को आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार से इन तीन प्रजातियों को हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार से विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण, पार्ट सेकंड में बाकी की तीन प्रजातियों के बारे में, चार प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने अपने 7 प्रजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। निग्रिटो, निग्रो और तीसरा था ऑस्ट्रेलाइट। तो इन तीन के बाद बाकी की चार पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे।